नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त खड़े हैं भोपाल के मुख्य निर्वाचन सदन में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधि मंडल किसी विषय पर आज शिकायत दर्ज कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वे क्या शिकायत दर्ज कराते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश के चुनाव पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी से आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला और दो गंभीर विषयों पर हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि उस पर कार्रवाई हो। एक तो झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में थांदला क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके परिवार पर हमला किया है, उनके बारे में अपशब्द बोले हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि इनकी ऐसी तैसी कर दो या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे ऐसा लगता है कि वो हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। कांग्रेस अपने निम्न हथकंडों पर उतर आई है और चुनाव के जो सामने दिखने वाली पराजय को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इस तरीके से वहाँ का चुनाव का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, क्योंकि वहाँ पर संबंधित थाने में 188 की कार्रवाई हुई है। अब निर्वाचन आयोग उनको आगे की सभी सभाओं के लिए उनको एक प्रकार से बंदिश लगाए और वो आगे किसी सभा में न जा पाए। साथ ही उनको बर्खास्त करने की बात कही हमने प्रत्याशी सहित विधायक को। इसके अतिरिक्त राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में जिस तरीके से वहाँ पेड न्यूज के माध्यम से एक वातावरण बनाना एक प्रत्याशी का एक चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोड़मल नागर जी के खिलाफ अनर्गल वहाँ समाचार छपवाना, प्लांटेड न्यूज और वहाँ पेड न्यूज के माध्यम से जिस तरीके से काम हो रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है और ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के हमने कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को शिकायत की। अजय बिश्नोई ने एक ट्वीट किया है, उनने कहा है जो भी कांग्रेसी आ रहा है वो उनको लेना हमारी मजबूरी है। एक ऑडियो वायरल भी किया है उन्होंने कि नीले समस्ती क्या कह रहे हैं, इस ऑडियो में सुन लो, बिजली लो, उसमें गाली गलौज। नीति सिद्धांत और नेतृत्व पर भरोसा करते हुए जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं और वो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के मंच से वो पार्टी और अधिक जनता की सेवा कर सकेंगे, तो ऐसे लोग निरंतर आ रहे हैं लगातार और उसमें कांग्रेस सहित अन्य दलों के भी कार्यकर्ता अपने अपने दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे भगवान दास सबनानी, भाजपा के अभी विधायक, और ये आए थे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। तो देखते हैं इनकी शिकायत पर कितना एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।